वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं विमेन का क्या रोल था इन फ्रांस रेवोल्यूशन। वेल फर्स्ट इमेज दैट कम्स टू आवर माइंड, लेट्स टॉक अबाउट दैट। याद है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, अराउंड 7,000 मेन एंड विमेन कंबाइंड टुगेदर, उन्होंने कंबाइन होकर डिमोलिश किया द मोनार्कियल स्ट्रक्चर जो कि था एक प्रिजन फोर्ट्रेस, एक प्रिजन था बेस्टिल, ओके उसको उन्होंने खत्म कर दिया, डिमोलिश कर दिया ताकि वो हार्म कर सके मोनार्कल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसमें 7 प्रिजनर्स थे। तो आइडिया इज टू शो द पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ पीपल में मेन और वेमेन दोनों थे। तो इस इमेज से आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, द रेवोल्यूशनरी नेचर ऑफ वेमेन। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया उनकी पर्सनैलिटी का, रेवोल्यूशनरी नेचर ऑफ वेमेन, दैट दे वर रेडी टू फाइट against the monarchical structure for their right, right? Other than that, student, एक और इमेज है जो हम प्रेजेंट करते हैं of women की फ्रांस में that point in time. If we talk about the third estate कौन सा है, middle class, workers, peasant, ठीक है, merchants. तो ये third estate के जो women थी, they were not into education, like they were not given any right to education. So education that time wasn't there, education for mid, only for middle class. ओके ओनली फॉर मिडिल क्लास वुमेन वॉज नॉट देयर इनिशियली ओके 1791 के बाद तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बाद तो वुमेन के लिए एजुकेशन आया, बट इनिशियली नहीं था। तो दीज वुमेन वर नॉट सिटिंग एट होम, जस्ट वुमेन वर मेकिंग एन अर्निंग, वर मेकिंग अर्निंग। कैसे ये लोग अर्न करते थे, बाय लेट्स से सेलिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स शॉप, स्मॉल बिजनेस, कोई भी फ्लावर्स का बिजनेस या एनी काइंड ऑफ मे बी टेलरिंग बिजनेस एक्सेट्रा, ओके ये सब करते थे। अदर देन दैट व्हाट दे वर डूइंग, दे वर एक्टिंग एज डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प। अब डोमेस्टिक हेल्प इन प्रॉस्परस हाउसेज ऑफ नोबल्स और क्लर्जीज, उनके घर पर लोग काम भी करते थे फॉर मनी एंड वेजेस, ओके। तो ये एक ऐसा इमेज है जो बताता है कि वुमेन वॉज इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, घर को संभालते थे, डबल बर्डनिंग हो रहा है वुमेन का, बट वुमेन वर इन्वॉल्व, दे वर इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, दे वर इन्वॉल्व इन अर्निंग अ लिविंग। सो अ वुमन वॉज डूइंग मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली एट दैट पॉइंट इन टाइम, द मिडिल क्लास वुमेन। वेन वी टॉक अबाउट द वुमेन फ्रॉम नोबल्स, देयर वुमेन वर गिवन द राइट टू स्टडी। सो द वुमेन हियर यूज टू स्टडी, यूज टू गो टू स्कूल्स, ओके दे यूज टू गेट स्कूलिंग्स ऑफ कॉन्वेंट एक्सेट्रा, ये सिचुएशन था। बट स्टूडेंट्स आफ्टर 17 यही जो लोग हैं, यही वुमेन हैं, दे वर ऑल्सो फाइटिंग फॉर देयर पोलिटिकल राइट्स। उनको पता था कि उनके पोलिटिकल राइट्स क्या है, फाइटिंग फॉर पोलिटिकल राइट्स, लाइक स्पेसिफिकली द राइट टू वोट। आपको पता है 1791 के बाद एक बहुत बड़ी कमी जो थी नेशनल असेंबली की, ये कि कॉन्स्टिट्यूशन तो नया बना मगर एक्टिव सिटीजन्स बहुत कम लोगों को बनाया, डिवाइड कर दिया कंट्री को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में, वुमेन आ गए पैसिव सिटीजन्स में। ऑल पीपल हु आर 25 एंड अबव एंड हैव गिवन टैक्सेस, उन्हीं को वोटिंग का अधिकार है, तो वुमेन तो इसमें आए नहीं। तो दैट वॉज अ प्रॉब्लम दैट वुमेन वर फेसिंग, दैट दे वॉन्ट पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन पोलिटिकल हाउसेज, दे वॉन्ट पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, द आइडिया टू वोट, दैट इज वॉट दे वर डिमांडिंग। तो इसके चलते उन्होंने अपनी पोलिटिकल इंटेलेक्चुअलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे पोलिटिकल क्लब्स के वो पार्ट बन गए। देर अराउंड 60 पोलिटिकल क्लब्स एट दैट पॉइंट इन टाइम इन फ्रांस, ऑल वर वुमेन पोलिटिकल क्लब्स। द मोस्ट फेमस वीन्स द वुमेन रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक क्लब फॉर वुमेन इन फ्रांस, बहुत फेमस क्लब था, वुमेन इसके पार्ट थे। इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, हाउ टू गो अबाउट देयर इंडिविजुअल पोलिटिकल फ्रीडम, इन सब बारों में भी चर्चाएं की जाती थी। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर 1791 हम देखते हैं इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले, बट वुमेन ने अपनी ड्यूटी एट एवरी कॉस्ट दे ट्राई टू फुलफिल इट। उसी के चलते जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो वुमेन को काफ़ी एडवांटेज हुआ। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के आने के वक्त वुमेन राइट्स वर पुट टू हाई। उनको स्कूल जाने का अधिकार, फ्री एजुकेशन मिला, नो फोर्स्ड मैरिजेस, कोई भी फोर्स शादी नहीं कर सकता, फादर कैन नॉट मैरी द गर्ल चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स शादी नहीं हो सकती। इसके अलावा
दे आर इफ दे वॉन्ट टू स्टडी दे कैन स्टडी, कंसेंट के बेसिस पर ही उनकी शादी होगी. डिवोर्स को एक लीगल फॉर्म दे दिया गया, डिवोर्स विल बी अ लीगल थिंग. क्योंकि आज भी अगर आप सोसाइटी में देखें तो इंडियन सोसाइटी में आज भी कई कई जगह डिवोर्स इज अ टैबू, पर उस वक्त डिवोर्स को लीगल फॉर्म देना कि इट्स अ लीगल थिंग, इफ गर्ल इज नॉट रेडी टू स्टे कैन आस्क फॉर डिवोर्स. सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी यू कैन से विच वॉज एग्जिस्टिंग. वुमेन वर अलाउड टू ओपन दिस स्मॉल बिजनेस ऑल्सो. दिस वॉज द ग्रोथ गिवन टू वुमेन. बट ये सब कुछ खत्म हो गया जैसे ही रीन ऑफ टेरर, ये हमने वीडियो करा है, रीन ऑफ टेरर मतलब जब जिकोबिन के हेड रॉबेस्पियर का रूल आया तो उसने अपने रिजिडिटी के चक्कर में इक्वालिटी के नाम पे लिबर्टी को खत्म कर दिया, वुमेन को कोई राइट्स नहीं दिए, वुमेन अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करते रहे, बट उनका एग्जीक्यूशन हुआ, बेहेडिंग हुआ, मेनी ऑफ द वुमेन वर एग्जीक्यूटेड जेल्ड बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. अपने अधिकार के लिए चाहे मैन हो वेमेन हो जो भी लड़ रहा था उसको रॉबेस्पियर ने बेहेड करवाया. तो रीन ऑफ टेरर में वेमेन के काफी राइट्स मारे गए, हालांकि उन्होंने होप नहीं छोड़ी एंड दे कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल. ये स्ट्रगल जो फ्रांस में शुरू हुआ ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही स्प्रेड हो गया, इंटरनेशनली स्प्रेड हो गया, बिकॉज वुमेन वर आस्किंग फॉर नथिंग लेस देन पोलिटिकल राइट टू वोट. पोलिटिकल राइट टू वोट का अधिकार वुमेन को मिलना चाहिए, ये फ्रांस वुमेन को मिला 1946 में. लेटर ऑन अमेरिकन एंड अदर प्लेसेस आल्सो गॉट, बट बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए जिसके बाद जाके वुमेन को ये राइट मिला है. तो वुमेन इन फ्रांस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ रेवोल्यूशनरी, एज अ हाउस मेकर, ब्रेड अर्नर, एज अ वन हु एज अ पोलिटिकल एक्टिविटी, वेरी स्ट्रांग पोलिटिकल एक्टिविटी एंड अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ हर ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड. So this is a combined face of women which the role they played in French during the revolution. This brings us an end to today's lecture. Stay tuned for more interesting lectures.